हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 5th लेके आए हैं। इसमें आज हम सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व आउट करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी को हम सोल्व आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी गई है वो है लैंगम्यूर आइसोथर्म से। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है द एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस डिस्क्राइब बाय द लैंगम्यूर आइसोथर्म। और यहाँ पर के की वैल्यू दी गई है और हमें थीटा की वैल्यू दी गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे थीटा दिया गया है और साथ में हमको यहाँ पे के दिया गया है ना यहाँ पे। और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर क्या है। तो के की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है और हम इजीली यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। देखिए रिलेशन हमारे पास होती है लैंगम्यूर आइसोथर्म की, और रिलेशन होती है थीटा इज इक्वल टू व्हाट, के पी अपॉन वन प्लस के पी। ये लैंगम्यूर आइसोथर्म का एक रिलेशन हमारे पास होता है जिसमें हमें थीटा और के हमको गिवन है। तो थीटा की और के की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और हम इजीली यहाँ से प्रेशर को निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इनकी वैल्यू को यहाँ पे अब रखने वाला हूँ। तो चलिए फिर से इस रिलेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा की वैल्यू दी है 0.95 इज इक्वल टू व्हाट, के की वैल्यू मेरे को दिया गया है 0.9। तो मैंने इस रिलेशन में 0.9 रख लिया और प्रेशर मैंने ऐसे ही रखा। मेरे को कैलकुलेट करना है, नीचे आएगा 1 प्लस के की वैल्यू फिर से रखेंगे 0.9 इंटू पी। यहाँ से मैं इजिली इसको सोल्व आउट करूँगा। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आएगी जिसको हम इजिली सोल्व आउट करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.95 की मल्टीप्लाई की 1 से, तो 0.95 और फिर इसकी आगे मल्टीप्लाई की 0.9 इंटू 0.95 पी इज इक्वल टू व्हाट, 0.9 इंटू पी। तो इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे और सोल्व आउट करने पर हम यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे। और प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो आपकी निकल के आएगी 21.1। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी प्रेशर की वो 21.1 आएगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर से भी सोल्व आउट कर सकते हैं या फिर आप इजीली कॉपी से भी, कॉपी पेन से इसको आप सोल्व आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है 21.5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस एग्जिबिट द फॉलोइंग आइसोथर्म। तो हमें ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ आप देख सकते हैं। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। चार स्टेटमेंट हमको दी गई है और चार में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए कल मैंने आपको परसों एक लेक्चर पढ़ाया था जिसमें हमने लैंगम्यूर आइसोथर्म की बात की थी। उसमें मैंने आपको इस तरह का एक ग्राफ बना के दिखाया था। ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है और ये ग्राफ था किस किस के बीच में, प्रेशर के बीच में और कवरेज के बीच में, थीटा के बीच में। तो ये ग्राफ था। अगर हम बात करें लैंगम्यूर आइसोथर्म की तो ये जो रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट के पी अपॉन, फिर से इसको लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू व्हाट के पी अपॉन वन प्लस के पी। ये होता है हमारे पास रिलेशन के पी वन प्लस के पी। और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है प्रेशर और थीटा के बीच में। तो देखिए जब हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हम क्या करेंगे, के पी को यहाँ पे रखेंगे क्योंकि वन को हम नेगलेक्ट कर देंगे जब के पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो के पी से के पी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद थीटा की वैल्यू वन आएगी। इसका मतलब जो हमारा थीटा है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा और यहाँ पे ऊपर जाने पर ग्राफ में ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद ये कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था लैंगम्यूर आइसोथर्म में कि जो अगर आपके पास कोई सरफेस एरिया है सॉलिड का है या लिक्विड का है और उस पर कुछ साइट है जिनके ऊपर एडसॉर्प्शन होना है, अगर पहली साइट के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है तो दूसरे वाली साइट को अफेक्ट नहीं करता है। अगर पहले वाली साइड से हीट रिलीज़ हो रही है तो दूसरे वाले को अफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जो हीट होती है एडसॉर्प्शन की वो इंडिपेंडेंट होती है कवरेज के ऊपर, है ना। तो थीटा के ऊपर हीट डिपेंड नहीं करती है क्योंकि अलग अलग साइड पे अलग अलग एडसॉर्प्शन होगा और वो एक दूसरे की हीट को
अफेक्ट नहीं करेंगे, तो जो हमारा पहला ऑप्शन होगा हीट ऑफ एडसोर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कवरेज, तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक आइसोथर्मल होती है जो लो टेम्परेचर सॉरी लो प्रेशर पे तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो प्रेशर के वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो लो प्रेशर पे तो प्रेशर पे डिपेंड करती है, लेकिन हाई प्रेशर पे वो आइसोथर्म प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमारे पास एक रिलेशन थी लैंगमुइर आइसोथर्म की, के पी अपॉन वन प्लस के पी। अगर हम यहाँ पे लो प्रेशर लेके चलते हैं, लो प्रेशर अगर हम लेंगे तो के पी को हम नेगलेक्ट कर देंगे। अगर हम प्रेशर लो लेके चलेंगे तो के पी को हम नेगलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो थीटा है वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। जब लो प्रेशर है तो थीटा प्रेशर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब जो कवरेज है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तब हम वन को नेगलेक्ट कर देंगे के पी के रेस्पेक्ट में, जिससे के पी से कैंसिल हो जाएगा और वन आएगा, और ओवरऑल जो थीटा होगा वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये थ्योरम कौन सी है हमारी, लैंगमुइर आइसोथर्म, जिसमें अगर प्रेशर लो होगा तो ये आइसोथर्म प्रेशर पे डिपेंड करती है, अगर प्रेशर हाई होगा तो ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन टू अ सॉलिड सरफेस। यहाँ पे हमें डेल्टा जी बताना है कि क्या होगा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो देखिए एक रिलेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये गिव्स फ्री एनर्जी की एक रिलेशन है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही जो गैसियस मोलिक्यूल होते हैं एडसॉर्ब होते हैं, उनकी एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे डेल एस हमारा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल, और क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो यहाँ पे डेल एच नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये टी डेल्टा एस वाली जो वैल्यू है पॉजिटिव में आएगी, और जैसे ही वैल्यू पॉजिटिव में आएगी जो हमारा डेल्टा जी है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा जो डेल जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है तो इसमें लिखा है डेल्टा जी बिकम मोर पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है द लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू व्हाट, के पी अपॉन वन प्लस के पी, वेयर पी इज द प्रेशर ऑफ द एडसॉर्प्शन गैस, द लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर अ डायटोमिक गैस ए टू। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो डायटोमिक गैस है उसके लिए लैंगमुइर आइसोथर्म की रिलेशन क्या आएगी। देखिए जो ये पहला रिलेशन है ये मोनो एटोमिक के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम डायटोमिक की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो के पी की पावर होती है वो 1/2 हो जाती है। अगर हमारे पास ट्राई एटोमिक गैस होगी, ये डायटोमिक के लिए होगा, अगर ट्राई एटोमिक गैस होगी तो ये 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया अगर मोनो एटोमिक हो तो ये रिलेशन सही रहेगा, अगर डाई एटोमिक गैस हो तो ये रिलेशन सही रहेगा, अगर ट्राई एटोमिक गैस हमारे पास है तो वहाँ पे के पी की पावर 1/3 कर देंगे और नीचे भी के पी की पावर 1/3 कर देंगे। तो जितने एटॉमिक गैस होती जाएगी उतना ही 1/ में हम लिखते चले जाएंगे, डायटोमिक के लिए 1/2, ट्राई एटोमिक के लिए 1/3। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो कि सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। इससे पहले हमने यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का जो सरफेस केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कंप्लीट किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर